नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक बहुत ही तगड़ा सा गोल्ड फार्म। तो गोल्ड फार्म हम लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हमें गोल्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फटाफट से चलते हैं अपने गोल्ड फार्म के लिए जो चीज़ें चाहिए वो इकट्ठा करने, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा फूड ले लेता हूँ। और अभी हम लोग चलेंगे नेदर में मैग्मा ब्लॉक इकट्ठा करने। कम से कम हम लोग को जो मैग्मा ब्लॉक की नीड होगी वो होगी 45 स्टैक। तो मैं फटाफट से इकट्ठा करके तुम लोग से मिलता हूँ। ओके, तो नाउ माय पिकेक्स इज़ अबाउट टू डेड। तो इसीलिए हम लोग आ चुके हैं अपने एंड में ताकि हम लोग इसको थोड़ा सा हील कर सकें, वरना भाई इसको टाटा बाय बाय बोलना पड़ेगा। लेकिन हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, तो फटाफट से इसको हील कर लेंगे। और हील करने से पहले तू हट ना भाई, और इसको मारते हैं। एक सेकेंड, इसको ऑफ हैंड में पहले लेना पड़ेगा, बट उससे पहले जो मेरे मैग्मा ब्लॉक्स हैं उनको मैं चारों तरफ फैला लूँगा ताकि एंड ऑफ पर्ल्स ना आ जाए मेरी इन्वेंट्री में। और उसके बाद इसको लेते हैं हम लोग ऑफ हैंड में, और अभी इन लोग का भाग कटे करेंगे। ठीक है, भाग कटे है। जिन लोग को नहीं पता होगा उन लोगों को मैं बता दूँ, खिचड़ी के टाइम पे जब हम लोग पतंग लड़ाते हैं ना पेंचे, तो उस समय अगर किसी अपोनेंट की पतंग कट जाती है तो हम लोग उसको बोलते हैं भाग कटे, और मैंने उसी पे अपने स्वॉर्ड का नाम रखा है भाग कटे। ओके, तो अभी फटाफट से इन सब को हम लोग मारते हैं। देख रहे हो भाई, इसको कहते हैं भाग कटे। इट्स नॉट सो फनी, बट ठीक है। और अभी ये इन लोग को मारने के बाद हम लोग चलते हैं फटाफट से अपने ओवर वर्ल्ड में। और अभी यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, हम लोग का जो मैग्मा ब्लॉक है वो इकट्ठा हो चुका है अप्रॉक्स 2 शल्कर्स, जो कि मोर देन इनफ है। और अभी हम लोग को चाहिए थोड़े बहुत स्टोन्स, तो यहाँ से मैं स्टोन ना लेकर के स्टोन ब्रिक्स चूज़ करूँगा, कॉज वो देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त से लगते हैं। और यहाँ से मेरे को थोड़े बहुत स्टोन ब्रिक्स चाहिए, थोड़े बहुत स्टोन ब्रिक्स के स्लैब्स चाहिए, और थोड़े बहुत वॉल्स चाहिए, ताकि मतलब वो सब यूज़ होने वाला है बिल्ड में हमारे, वो सब तुम लोग को सिनेमैटिक्स देख के पता चल जाएगा, मतलब जब हम लोग बनाएंगे तो या ये सब हम लोग लेते हैं इधर से, थोड़े बहुत आलतू फालतू चीज़ें निकाल के स्टोन ब्रिक्स ले लेते हैं, और उसके बाद बनाते हैं थोड़े बहुत स्लैब्स। थोड़े बहुत क्या, मैं बहुत सारे स्लैब्स यहाँ पर बना रहा हूँ अभी के लिए, कॉज आई थिंक जितने हम लोग को वो चाहिए मैग्मा ब्लॉक उसका 1/4 या 1/4 नहीं, ज़्यादा ही हो जाएगा, 1/8 हम लोग को लगभग ये स्लैब्स भी लगेंगे, तो इसलिए मैं ये ले लेता हूँ। 1/8 भी ज़्यादा है भाई, जितने भी लगेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा लगने वाले हैं, तो कम से कम 10-12 स्टैक तो मैं यहाँ से ये ले ही लूँगा। ठीक है, और कम से कम 20 स्टैक हो चुका है मेरे पास, बट फिर मैं एक स्टैक और बना लेते हैं यार, क्या ही दिक्कत है। और ये सब बनाने के बाद अभी हम लोग चलते हैं फटाफट से, जितनी भी चीज़ें वो सब मैं इकट्ठा करके तुम लोग से मिलता हूँ। ठीक है, ताकि तुम लोग भी बोर ना हो यार, एक एक चीज़ें ऐसे इकट्ठा करके दिखाने लगूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बट उससे पहले चलते हैं फटाफट से भगवान के दर्शन करने। भाई मैं ये चीज़ भूल गया था, तो फटाफट से भगवान के दर्शन करते हैं। वहीं मैं बोलूं कि हमारा जो काम है वो जल्दी जल्दी क्यों नहीं हो रहा है। अभी हम लोग आशीर्वाद ले लेंगे, फिर देखो भाई इतना फास्ट काम होगा ना, मज़ा ही आ जाएगा। तो जल्दी से चलते हैं, जय श्री राम, हर हर महादेव, और यहाँ से चलते हैं फटाफट से। और अभी देख सकते हो भाई, एक सेकंड के अंदर हमारे पास सारी की सारी चीज़ें इकट्ठा हो चुकी हैं। इधर 4 शल्कर हैं, इनमें हमने सारी की सारी चीज़ें भर के रखी हुई हैं, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो। और सब चीज़ें आई थिंक इनफ हैं, अगर कम पड़ेगा तो फिर वापस आके ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं। और यार मेरा नेट नहीं चल रहा है भाई, एक सेकेंड देखते हैं मेरा नेट। अरे यार दो खुटी चल रहा, अरे साले हराम खोर, चल, अरे मेरा इंटरनेट ही नहीं चल रहा है। फटाफट से चलते हैं नेदर में, और नेदर में चलने के बाद हम लोग आ चुके हैं नेदर के रूफटॉप पे, और यहाँ पे हम लोग को बनाना है एक स्काफ होल्डिंग से कम 222 कोऑर्डिनेट तक हम लोग को जाना है। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग वहाँ चलते हैं, और वहाँ जाने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना आगे का काम। मतलब मेन यही है, 222 ब्लॉक्स तक ऊपर जाना है, और उसके बाद हम लोग को स्टार्ट करना है अपना गोल्ड फार्म बनाना।
तो मैं यहाँ से ऊपर चलता हूँ और उसके बाद हम लोग बनाएंगे अपना गोल्ड फार्म। तब तक तुम लोग लाइक कर दो यार वीडियो को, क्या कर रहे हो अभी तक, और टाइम लैप्स इंजॉय करो। ओके तो अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ AFK करने। AFK का मतलब तुम लोग को पता ही होगा, हम लोग यहाँ पे सिंपल खड़ा होकर अपने गेम को छोड़ देने वाले हैं ऐसे ही 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट के लिए मैंने जो टाइम लैप्स निकाला और उस टाइम लैप्स में तुम लोग देख सकते हो तो क्या तेज़ वर्क कर रहा था भाई ये फार्म। और स्टिल हम लोग यहाँ पर 2 लोग खड़े थे, मैं और प्रत्युष, फिर भी 15 मिनट के अंदर ही लास्ट के 2 मिनट में मैंने जो अपना रिजल्ट देखा था तो लास्ट के 2 मिनट में मेरा 2 लेवल बढ़ चुका था। यानी कि भाई 90+ लेवल पे जब 2 लेवल बढ़ रहा है तो तुम लोग समझ सकते हो कितनी तेज़ ये हमें XP दे रहा है। और बिना किसी मेहनत के बस तुमको खड़े रहना है तो भाई ये बहुत ज़्यादा सही है। और अभी हम लोग फाइनल रिजल्ट्स देखने वाले हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा गोल्ड जो है वो इकट्ठा हुआ है। तो अभी मैं आता हूँ इधर नीचे और यहाँ पे इस वाले चेस्ट में, ओ भाई साहब, पूरा का पूरा जो चेस्ट है वो भर चुका है। आई थिंक और भी चेस्ट होते हैं तो वो भी भर जाते हैं। ऊपर वाले चेस्ट भी देख लेते हैं। ओके ये वाला चेस्ट भी भरा हुआ है और ओ भाई साहब ये भी चेस्ट भरा हुआ है, यानी कि एक और चेस्ट हम लोग को अभी बहुत सारे चेस्ट नीचे लगाने पड़ेंगे आई थिंक। ओके ये वाले चेस्ट भी भर चुके हैं, ये भी भर चुका है। और ओके ये वाला थोड़ा कम है, बट भाई इतनी देर में, सिर्फ 15 मिनट में जितना गोल्ड कलेक्ट हुआ है ना भाई, ये बहुत ज़्यादा है। तो तुम लोग को ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब कर लो क्योंकि नेक्स्ट वाला प्रोजेक्ट जो हम लोग लाने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तो मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। और एक बार ऊपर से दिखा देता हूँ मैं तुम लोग को, ये देखने में कुछ इस तरह का है ही, बाय।